नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, भारत में भी संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। स्थिति यह है कि भारत एक एक पायदान चढ़ता हुआ इस समय दुनिया के दूसरे नंबर पे आ चुका है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बात जो घबराने की है वो इतनी ज्यादा नहीं है। खतरनाक कितना है यह मामला और किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण के साथ ही कोरोना के जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसकी स्थिति क्या है, इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय, जो एम्स में चल रही कोरोना वैक्सीन परीक्षण के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर संजय राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और भारत दुनिया में नंबर दो की पोजीशन पे आ गया है, क्या कारण है इसके पीछे और घबराने की कितनी जरूरत है इसको लेके? जहां तक घबराने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, उसको हम उसके जिक्र करेंगे। अभी नंबर दो पे आपने बिल्कुल सही कहा, हम पहुंच गए हैं। जिस तरीके का ये वायरस है, जिस तरीके से करीब 8-9 महीने पुराना वायरस है, दिसंबर के अंतिम महीने में वुहान शहर से शुरू हुआ था, और जो ग्लोबल एविडेंसेस धीरे धीरे हमें मिलते गए कि इसके प्रसार को धीमा तो किया जा सकता है कई जैसे लॉकडाउन या ये अदर मेथड से रोका नहीं जा सकता। अगर आप भारत की जनसंख्या देखें तो जिस तरीके की जनसंख्या है, इस समय नंबर वन अमेरिका है। अमेरिका में अब ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स उसके इन्फेक्टेड हो चुके हैं। भारत में भी ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, तो अभी नंबर टू पे है, नंबर वन पे भी हम पहुंचेंगे और इससे पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। उसका जो कई कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है नंबर ऑफ टेस्ट। देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट हम 10 लाख से ज्यादा टेस्ट करने लगे, कभी कभी 12 लाख भी हम टेस्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही डिटेक्ट करेंगे, फिर भी हम पूरी तरीके से नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं। शायद 10% भी इतने टेस्ट करने के बाद भी हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जितने सीरो सर्विलेंस हो रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल आपको दे दूं, दिल्ली में अगर देश की तुलना में बात करें तो काफी अच्छी जो है पर मिलियन टेस्टिंग हमारी होती है दिल्ली के अंदर। अगर आप कुछ और राज्यों से, यूपी बिहार इनसे कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी टेस्टिंग है, ये है पर मिलियन टेस्ट। पिछले दो सीरो सर्वे हो चुके हैं दिल्ली में, एक सीरो सर्वे हुआ था ठीक उसके एक महीने बाद दूसरा सीरो सर्वे हुआ, उस समय जो सीरो प्रिवेलेंस था, दैट मीन्स उतने लोग इन्फेक्टेड थे, जो सीरो सर्वे ये हमें बताता है कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनाया हुआ है, उसको हम एक प्रॉक्सी इंडिकेटर मानते हैं कि जितने लोगों में एंटीबॉडीज बनाया एटलीस्ट उतने लोग इन्फेक्टेड थे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज नहीं बनता है, लेकिन एटलीस्ट उतने बने थे। तो 23% के आसपास था एक महीने पहले जो हुआ था, एक महीने बाद जो हुआ उसमें जो है बढ़ के 29% हो गया। इसका मतलब 6% जो है इजाफा हुआ टोटल नंबर में। अगर उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर दें तो करीब 12 लाख लोग, दिल्ली की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है, एक महीने में करीब 12 लाख और लोग इन्फेक्ट हुए, जो कम से कम संख्या बताती है जी। जबकि दिल्ली में हम जो है पूरे महीने मिला के जो है करीब 30,000 से 40,000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ केसेज आए। इसका मतलब ये हुआ कि हम करीब 2% के आसपास ही केसेस को डिटेक्ट कर पाए, इतनी सब मेहनत करने के बावजूद, इतने कंटेनमेंट जोन बनाया सब, क्योंकि जब पूरी तरीके कैसे फैल जाता है कम्युनिटी में, तो फिर जो है उसको जो है हर आदमी को हम टेस्ट नहीं कर सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ टेस्ट करने की जो ये नहीं है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब जो है टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है बेस्ड ऑन जो एविडेंसेज है हमें चेंज करनी चाहिए, और टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है कि सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी अगर हम 2% को कर पा रहे हैं, अगर क्या होता, मान लीजिए दिल्ली में रोज 20,000 टेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह 40,000 करने लगते, तो ये 12 लाख लोग थे, इनमें से कुछ लोगों को और हम पता कर लेते जी। ये 12 लाख मतलब 40,000 रोज दिल्ली में इन्फेक्शन हो रहे थे और हम डिटेक्ट कर रहे थे 1200-1500। उसको हम 40,000 टेस्ट करने लगते तो इन्हीं लोगों में से जो कि या तो एसिम्प्टोमेटिक थे, इन 40,000 जो 40,000 रोज इन्फेक्ट हो रहे थे, या तो
में टिक थे या उनका सिम्टम इतना माइल्ड था कि वो कहीं हेल्थ सिस्टम के पास नहीं गए और इसलिए हमें उनका पता नहीं चला, वो टेस्ट कराने के लिए नहीं आए, हम उनके पास नहीं पहुंच पाए, मतलब हेल्थ सिस्टम नहीं पहुंच और उनका हमने टेस्ट नहीं किया। लेकिन जब हमने उनका एंटीबॉडीज टेस्ट किया सर्वे में तो पाया कि वो पॉजिटिव पाए गए। तो है हमें जो है इस देखते हुए, इन सबों को देखते हुए अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। और ये लगता है कि मोर देन 90% लोगों में जो है बहुत ही माइल्ड है ये डिजीज, तो इसको लेके इतनी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी संजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसके संक्रमण की दर बढ़ रही है, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, खास करके बहुत बड़ी आबादी के बीच में जो परसेंटेज है बहुत कम है, डेथ रेट कम है लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन उसी में किस कुछ लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को आपने बताया है कि माइल्ड इफेक्ट करता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे हब धीमे धीमे हर चीज खुलती जा रही है, अनलॉक 4 चल रहा है, मेट्रो भी शुरू होने जा रही है, पूरे देश में शुरू होने जा रही है, कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में अभी नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि जब सभी चीजें खुल रही हैं, मार्केट्स खुल रहे हैं, बसें चलने लगी हैं, मेट्रो चल रही हैं, तो क्या इन सब खुलने के कारण भी संक्रमण बढ़ रहा है क्या? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, धीरे धीरे खुलेगा तो संक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि संक्रमण कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी फैलती है, जब आपकी मिक्सिंग होगी तो फैलने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसको जो है ये नेचुरल फेनोमेना है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है वो फैले, अब हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि अगर फैल रहा है तो फैल उसको हम रोक नहीं पाए, इतनी लॉकडाउन करने के बाद सब कुछ करने के बाद, यही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी इसको नहीं रोका गया, कोई भी नहीं रोक पाया, अब ये पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है कि इसको हम रोक नहीं सकते। आप प्रिवेंट जब कर ही नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे फैलने दें, एक ही बार फैलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अचानक भीड़ बढ़ जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा, ज्यादातर लोगों में माइल्ड है, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वह फैलेगा ही, जब फैल ही रहा, इतने लोगों को, लाखों लोगों को हो गया, लाखों क्या करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान में हो चुका है जी। और सिर्फ जितने को हमने टेस्ट किया उतने को पाया रिपोर्टेड, सो रिपोर्टेड केसेस में और एक्चुअल होने में बहुत अंतर है। दिल्ली में ही जो आंकलन है हमारा कि 60 लाख के आसपास पिछले महीने ही हो चुका था, जो सीरो सर्वे बताता है। तो जब इतने लोगों को इतने सब करने के बावजूद भी हो रहा है तो वह होगा, बाकी लोगों को भी धीरे धीरे होगा, वह फैलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है जिससे प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी हमारे पास जो है ऐसा कारगर ट्रीटमेंट नहीं है कि किसी को अगर बहुत ही सीरियस हो गई जो इस वायरस पे काम करे, जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, तो इस वायरस को मारने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। तो इन सबों को देखते हुए जो है जब ये सब खुलेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिन बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है इन्फेक्ट हो चुकी है, जैसे दिल्ली में करीब 30% के आसपास हो चुके हैं, मुंबई में देखा जाए तो करीब 40% के आसपास लोग हो चुके हैं, ये दूसरे शब्दों में हम इनकी बात करें तो इतने लोग प्रोटेक्टेड हैं, तो अब इनको नहीं अगर हो रहा है और ये दूसरों को ट्रांसमिट अभी नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास एविडेंसेज हैं कि जिनको एक बार हो गया है वो अभी दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, कुछ री इन्फेक्शन की जब हम बात करेंगे तो कर लेंगे वो, अब उसमें क्या सच्चाई है, बट अभी मैं मान के ये चल रहा हूं कि हम दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, तो उस तेजी से नहीं फैलेगा जिस तेजी से फैलने का डर शुरू में होता है, जब एपिडेमिक जो है अपने बिगनिंग में होता है, शुरू के स्टेज में होता है, तो क्योंकि सारा पॉपुलेशन जो है ससेप्टेबल होता है, वर्जिन पूरे पॉपुलेशन में किसी को भी हो सकता है, अब 1/3 पॉपुलेशन अगर प्रोटेक्टेड है तो वह डिजीज कैरी भी नहीं करेगा, तो उस तेजी से प्रसार नहीं होगा जिस तेजी से शुरू में होता था। तो इन सब देखते हुए धीरे धीरे हमें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना ही चाहिए, सब कुछ खुलेगा ही, उसको अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया सकता, और बंद से नुकसान ज्यादा है फायदा कम है। जी हाँ जी संजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को होता है और पता भी नहीं चलेगा, और इसी तरीके से धीमे धीमे फैल रहा है, और धीमे धीमे फैलना ही ठीक है क्योंकि इसे रोका जा ही नहीं सकता, और हमारे इंतजाम व्यवस्थाएं सारी कर ली गई और ये धीमे धीमे फैल रहा है, तो हम जो लोग उससे इन्फेक्टेड होते हैं, सीरियस होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं।
एक अंदाजा करीब 3-4 महीने पहले लगाया गया था कि 50% 60% लोग एसिम्प्टोमेटिक है पूरे देश में। आप इस समय जैसा आप बता पा रहे हैं कि कितने परसेंट के करीब लोग होंगे जो इन्फेक्टेड हुए या एसिम्प्टोमेटिक होंगे पूरे देश की बात की जाए तो? देखिए पूरे देश का चूंकि डेटा नहीं है, इसको जो है हम सही ढंग से तभी बता सकते हैं जब सीरो सर्विलेंस होता है कि हम लोगों में एंटीबॉडीज का पता करें, टेस्ट किया कितने लोगों इनमें से कितनों को सिम्टम था। जो अभी सीरो सर्विलेंस का रिपोर्ट कर रहा है, जैसे दिल्ली का, मुंबई का, बड़े बड़े शहरों का, चेन्नई का भी रिलीज हुआ है, हरियाणा का भी 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, इन सबों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 90% में, पहले जो है ये था कि करीब 50% एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड है। डॉक्टर संजय जी, जैसा आपने बताया कि कोरोना का संक्रमण रोका नहीं जा सकता, धीमे धीमे फैलेगा ही जब तक कि कोई कारगर इसका इलाज या वैक्सीन ना आ जाए, वैक्सीन की स्थिति क्या है? चूंकि दिल्ली एम्स में वैक्सीन की जो परीक्षण हो रहा है उसको लेकर आप प्रभारी हैं और पूरी दुनिया में जो स्थिति है उससे भी अवगत हैं आप, तो कृपया वैक्सीन के बारे में बताइए कि स्थिति कहां पर है। ठीक है, पूरी दुनिया में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और काफी तेजी से ट्रायल चल रहा है और इतने बड़े स्तर पे शायद मुझे नहीं याद है कि हिस्ट्री में कि कभी इतने बड़े स्तर पे किसी एक बीमारी के लिए वैक्सीन का ट्रायल हो रहा हो। 150 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं, कुछ प्री क्लिनिकल फेज में जो जानवरों और इस सब पे हो रहे हैं अभी और कुछ क्लिनिकल फेज में, मतलब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होने के फेज में, उनमें से करीब 30-40 जो है रेस में काफी आगे हैं जो ह्यूमन फेज 1, फेज 2, फेज 3 में है। हिंदुस्तान में भी 3 वैक्सीन जो है फेज 2 ट्रायल और फेज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में है। 2 तो इंडिजिनस यहीं पे डेवलप हुआ, ICMR ने वायरस को आइसोलेट किया और उसके बाद जो है इसको भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बनाया। भारत बायोटेक का वैक्सीन वह भी फेज 2 में है, फिर आप जाइडस कैडिला का है वह भी फेज 2 में है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेके, तो ये सब जो है काफी भारत भी आगे है। दुनिया में हर जगह जो है अभी जैसे न्यूज आपने सुना होगा रशिया में, क्योंकि वो भी अभी क्लिनिकल ट्रायल में, उनका ये नहीं कि फेज 3 खत्म हो गया है जी। किसी का फेज 3 नहीं खत्म हुआ है, कुछ लोगों ने फेज 3 अभी जस्ट शुरू किया है, कुछ लोग अभी शुरू करने वाले हैं जो बहुत ही आगे हैं। जो आगे हैं उनमें US का वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, जो फेज 2 करके वहां पे फेज 3 शुरू हो रहा है, बट हमारी कंट्री में उनका भी फेज 2 ही हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी जो है एक ही लेवल पे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन ट्रायल जो है काफी आगे की फेज में पहुंच चुका है। जी हाँ संजय जी, कब तक ये मतलब एक अगर समय की बात करें तो कितना समय और लग जाएगा माकूल तरीके से वैक्सीन को आने में? देखिए वैक्सीन की एक प्रक्रिया होती है, उसकी जो है कई फेजेस में वैक्सीन ट्रायल होते हैं, ह्यूमन पे करना होता है तो हमें ये कई पहलुओं को देखना होता है, जो जैसे जो देखना होता है पहली बात कि सेफ होनी चाहिए, सेफ्टी प्रोफाइल जो है जब तक इस्टेब्लिश नहीं कर लेते हैं, सेफ्टी जो है इमीडिएट ही सेफ्टी की बात नहीं होती है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी की भी बात होती है कि आज हमने दे दिया अब लंबे समय तक सेफ रहे, उसका कोई बुरा इम्पैक्ट ना हो। मेडिसिन का एक प्रिंसिपल ही है कि फायदा ना करे तो कम से कम नुकसान ना करे जी। तो एक तो ये है, दूसरा जो है कारगर कितनी है, इम्यूनोजेनिसिटी उसकी कितनी है। एक तो इम्यूनोजेनिसिटी इतनी हो, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब हो गया कि एंटीबॉडीज बनना हो जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर ले, वायरस को मार दे और वह काफी समय तक रहे, ये नहीं कि कुछ दिनों तक तो मार दे और इसके बाद न रहे। तो दोनों सेफ्टी, सेफ्टी जो है लॉन्ग टर्म सेफ्टी हो, प्रोफाइल एस्टेब्लिश होनी चाहिए उसकी, और दूसरा जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो भी लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिश होनी चाहिए। इन दोनों पे अगर कोई भी वैक्सीन अपना प्रूफ कर देता है कि इन दोनों पे वह सही है तो फिर उसको जो है लॉन्च किया जा सकता है फेज 3 स्टडी के बाद, और अभी जो अगले साल के शुरू से पहले आने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऑल्दो आपने देखा होगा कि अभी US ने किया कि नवंबर में शायद वो लॉन्च कर देंगे अपने लोगों के लिए और उसकी संभावना कम नजर आती है जी।
जी डॉक्टर संजय जी, जिस तरीके से आपने फेजेस भाई बताया कि अभी अगले साल के शुरू तक संभवतः आ पाएगी, अपने देश में जो परीक्षण चल रहा है कोरोना वैक्सीन का, उसको लेकर आपके यहाँ दिल्ली एम्स में भी चल रहा है, फर्स्ट फेज में लगभग आपने बहुत सारा काम कर लिया है, क्या कुछ ऐसा अभी तक, चूंकि परीक्षण है तो अभी तक के परीक्षण में अगर आपसे कुछ कहूंगी कुछ इसमें बता पाए आप तो? देखिए, एक तो जो इंडिविजुअल डेटा है उसको हम लीक नहीं कर सकते हैं, बट जैसा ग्लोबल एविडेंस जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जो इफेक्टिवनेस का और सेफ्टी का है, क्योंकि अगर सेफ वैक्सीन नहीं होता है तो दूसरे स्टेज में जाने का परमिशन ही नहीं मिलता, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको चेक करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी और फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वह चेक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट फेज में जाने के लिए परमिशन दिया जाता है। सो नेक्स्ट फेज में परमिशन ग्रांट होने का मतलब ये होता है कि सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश, उन्होंने मान लिया है कि सेफ है वैक्सीन तब फेज टू में जाने के लिए। तो हिंदुस्तान में जो सारी फेज ये गई हैं फेज टू में वैक्सीन गई हैं, इसका मतलब कि सेफ्टी प्रोफाइल जो है, अब एग्जैक्टली उसको कितना सेफ है क्या है या जो है अभी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो इसको मैं पूरी तरीके से अभी नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी थोड़ा सा अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन जो यही नहीं, बाकी भी वैक्सीन जो आ रहे हैं कोविड 19 के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन बन रहे हैं, अभी तक जो भी फ्रंट रनर्स वैक्सीन है वो काफी सेफ्टी प्रोफाइल पे अभी तक खड़े उतरे हैं। और जहां तक इम्यूनोजेनिसिटी की बात है तो फेज टू और फेज थ्री ट्रायल के होने के बाद ही कहा जा सकता है, इतना कह सकता हूं कि संतोषजनक है। जी, बात हो गई कोरोना के संक्रमण की, उसको हम रोक नहीं सकते, बात हो गई वैक्सीन की, अब एक जो मोटी मोटा बात हो रही है वो ये हो रही है कि पूरे देश में अनलॉक 4 चल रहा है, लेकिन संक्रमण की दर नहीं रुक रही है, मेट्रो भी शुरू हो रही है। एक आम आदमी जो कि कोरोना को लेके आज से 3-4 महीने पहले एक तरीके से बहुत ही डरा हुआ था, आज धीमे धीमे उसको भी लगता है कि सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ तो खुल गया है, वो भी बाहर निकल रहा है, दफ्तर जा रहा है, चीजें कर रहा है, बाजार जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा कि लोग जो अब बाहर निकल रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, उनको किस तरह की अभी भी उस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन जो एक बड़ी बात ये है कि संक्रमण को लेके उनके मन में जो एक भय की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हो जाए, अब इसी स्थिति में वो जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपने भाषा में और उस तरीके से बताएं ताकि लोगों को एक क्लियर हो जाए चीजें। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जानना लोगों को। देखिए, पहली बात कि एक तो घबराए नहीं, पैनिक जो है वह शायद नुकसान देह ज्यादा होता है, लेकिन सावधानी हमेशा बरतें। सावधानी बरतने का मतलब अभी भी जो है, क्योंकि अभी कुछ कितने समय तक कोविड रहेगा हमें नहीं पता, जो एविडेंसेस हैं अभी काफी लंबे समय तक रहेगा और हमें दिनचर्या में कुछ अपने बदलाव लाने पड़ेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल करना है तो, सब कुछ नहीं तो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो है जैसे हर समय मास्क पहनना जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि मास्क जो है हमें अपने आप को भी बचाता है और दूसरों को भी, मेरे मास्क पहनने से दूसरे भी बचते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट से होता है। ड्रॉपलेट होता है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, गाना गाते हैं, तो मुंह से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। ये इन्फेक्शन उन्हीं से फैलता है सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है ये ड्रॉपलेट होता है। अगर हमने मास्क पहन लिया तो वो ड्रॉपलेट नहीं निकलेगा, ड्रॉपलेट रहेगा उसी मास्क के अंदर रह जाएगा, तो जब ड्रॉपलेट नहीं रहेगा तो दूसरों को बचाएंगे, दूसरों ने भी पहना हुआ है तो हमें नहीं होगा जी, कम होगा। और अगर कहीं अगल बगल से कुछ एक दो चार ड्रॉपलेट आ भी गए मान लीजिए, तो हमने मास्क पहना हुआ है तो बचाएगा। तो इस तरीके से जो है दोनों लोगों को, सो मास्क जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा इन्फेक्शन का मुख्य कारण है पहला तो ड्रॉपलेट के बाद वो फोमाइट होता है, जब ये सरफेस पे बैठ जाता है यही ड्रॉपलेट, क्योंकि ये ड्रॉपलेट भारी होते हैं, कण तुरंत बैठ जाते हैं और वो 2 मीटर की दूरी के बाद नहीं जाते, इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। तो वह जब सरफेस कंटामिनेट हो जाता है, जब उसको हम हाथ से छूते हैं या कोई और छूता है तो हाथ
आपका कंटामिनेट हो जाता है और उससे जब हम मुंह को या आंख को छूते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार आप हाथ धोते रहें, और अगर हाथ धोने की व्यवस्था है आपके पास तो आप साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर से वो बेटर है कई मामले में। एक तो कई तरीके केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं सैनिटाइजर के, दूसरा जो है उसकी जो है वो कितना सही सैनिटाइजर है और रियली अल्कोहल 70% है या नहीं है। हाँ, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के प्रिंसिपल पे आप उसको ले लें। बट वो ये नहीं है कि आप अगर पानी और साबुन अवेलेबल है तो उसकी जगह पे लें। तो एक तो आप पहला जो है मास्क पहने, दूसरा फ्रिक्वेंट आप हाथ धोते रहें, तीसरा जो है डिस्टेंस मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंस जितना हो सके, ओवर क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। ये जो शेक हैंड करने की है, हाथ मिलाने को ना, हमेशा नमस्ते करें तो इसे दो होगा। शेक हैंड करने के लिए आपको हमेशा किसी के पास जाना पड़ता है, वह दो मीटर की डिस्टेंस कम हो जाती है। नमस्ते करें तो दूर से कर सकते हैं, हाथ नहीं मिलाएंगे तो उनका कंटामिनेटेड है। मान लीजिए मुझे जुकाम हुआ है या कोविड का हुआ है, मैं यूजुअली आदमी नाक मुंह को हर हजारों बार दिन भर में छूता है जी, कोविड है, इन्फेक्शन है, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं तो मेरा हाथ कंटामिनेटेड होगा, मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसको जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उस हाथ के थ्रू। तो इसलिए जो है हमेशा नमस्ते करना जो है प्रीफर करें, हाथ न मिलाएं जब तक कोविड का सीजन है। ये सब छोटी छोटी सावधानियां, ओवर क्राउडेड प्लेस को आप बचें, अननेसेसरी अगर जरूरत ना हो तो न जाएं, इन सब चीजों से जो है हम बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने समाज को बचा सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है बहुत ही अचानक तेजी से ना फैले, धीरे धीरे फैले। जी हाँ जी, डॉक्टर संजय, जिस तरीके से आपने सारी जानकारी दी, निश्चित रूप से एक बात साफ हो गई है, कोरोना का संक्रमण रोका नहीं जा सकता है, धीमे धीमे फैलेगा, वैक्सीन आने में भी समय है, इसलिए पूरी सावधानी बरतनी है, सबको सतर्कता बरतनी है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर या हाथ साबुन से धोते रहना है। इन्हीं सब सतर्कता और सावधानियों के साथ हम इसको इससे दूरी बना के रख सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।